चलो बढ़ते हैं एक बार फिर खबरों की ओर। आपको बता दें कि सीवन से एक बड़ी खबर का सामना आपको बताते हुए कि जामा मस्जिद पर अवैध निर्माण की कार्रवाई पर प्रशासन का ध्यान अभी तक अंकित नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि प्रशासन का ध्यान नहीं होने से अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार सुचारू रूप से जारी नहीं की गई है। अवैध निर्माण को रुकवाना प्रशासन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़वाना भी प्रशासन की कोशिश होनी चाहिए। दिखाते हैं सीवन से खास खबर। कैलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार की शाम को 36 कौम सनातन धर्म हिंदू सेवा समिति के आह्वान पर शहर के सैकड़ों हिंदू इकट्ठे हुए। समिति के द्वारा 303 मांग की गई और अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। बैठक के दौरान प्रांत, जिला और क्षेत्र के हिंदू संगठन के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि एक विशेष समुदाय के द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य को जब तक प्रशासन के द्वारा दस्त नहीं करवाया जाता है तो तब तक हम जागते रहेंगे। नगर पालिका प्रशासन किस तरह से एक विशेष जाति समुदाय को कुछ करने के लिए सोतेरा व्यवहार कर रही है वह निंदनीय है। दिनेश बिंदल ने बताया कि सोए हुए मुखबिर प्रशासन को अवगत करवाया जाए कि जो शहर में घटनाक्रम चल रहा है उसे वे कितने वाकिफ है, मानवता विरोधी ताकतें जिस तरह से बढ़ रही है उसे रोकने में सरकार और प्रशासन कितना गंभीर है। शिवगंज में जो सिनेमा वाली रोड है वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि एक समुदाय विशेष बिना अनुमति के निर्माण कर रहा है, उस निर्माण को तत्काल रुकवा दिया गया है और आगे बिना अनुमति के उसमें कोई भी निर्माण नहीं कर रहा है।